आई एम दीपक माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभी तक हमने जो रेक्टिफायर्स पढ़े हैं उन सब में कंपैरिजन के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो कंपैरिजन बिटवीन द रेक्टिफायर्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि हम एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हमने काम में लिया है, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमने एक ये ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ पे किया, क्योंकि हमने ब्रिज सर्किट में चार डायोड काम में लिए हैं। यहाँ पे डायोड D1, D2, D3 एंड D4, और किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह भी एक फुल वेव रेक्टिफायर ही है। ब्रिज रेक्टिफायर में हम चार डायोड काम में लेते हैं। इनपुट वेव फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई गई है, वी मैक्सिमम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वी मिनिमम, और इसको प्राइमरी वाइंडिंग में अप्लाई किया। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने देखा कि किस तरह से ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स दो डायोड कंडक्ट होंगे, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2π के पीरियड में जो रिमेनिंग टू डायोड्स हैं वो कंडक्ट होंगे। तो करंट फ्लो जो है सॉलिड लाइन से है वो एक डायरेक्शन में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए दिखाई गई है, जबकि जो डॉटेड लाइन से जो करंट फ्लो जो दिखाया गया है वो नेगेटिव हाफ के लिए दिखाया गया है। और RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। चूंकि चार डायोड मिलकर एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब आउटपुट वेवफॉर्म व्हेन D1 एंड D3 कंडक्ट्स, तो उस केस में ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, फिर थर्ड पॉजिटिव हाफ 0 से π, 2π से 3π इस तरह से प्राप्त होंगी, और पाई से 2π की पॉजिटिव हाफ और 3π से 4π की पॉजिटिव हाफ जब डायोड D2 और D4 कंडक्ट्स होंगे, तो हमें आउटपुट में जो है वो रेगुलर वेवफॉर्म, रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म जो है वो हमें, चूंकि दोनों को हम कंबाइन करेंगे पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल को, तो 0 से π के लिए भी और π से 2π के लिए भी, एंड लाइकवाइज दिस हमें कंटिन्यू जो है वो वेवफॉर्म प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करके भी हम फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। पहले वाले जो लेसन में हमने पढ़ा कि फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड काम में लेते हैं, D1 और D2, जबकि यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर वी कैन आल्सो मेक द फुल वेव रेक्टिफायर। अब इनमें जो कंपैरिजन है वो इस टेबल के माध्यम से हम देख लें कि जो पर्टिकुलर्स है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जिसमें हमने केवल दो डायोड काम में लिए, और ब्रिज टाइप का जो फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें कि हमने चार डायोड काम में लिए, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाया गया है। सीरियल नंबर 1 में जो पर्टिकुलर्स हैं उसमें है नंबर ऑफ डायोड्स हाफ वेव में 1 चाहिए, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को यूज करके जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया उसमें डायोड 2 चाहिए, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करके जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया उसमें हमको 4 डायोड की जरूरत होती है। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो इसमें नहीं है, जबकि उसमें जो सेंटर टेप में जो एफिशिएंट होना चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी जो है रेक्टिफायर की वो हाफ वेव के लिए 40.6% है, जबकि सेंटर टेप और ब्रिज टाइप के लिए एफिशिएंसी तो दोनों की चूँकि फुल वेव रेक्टिफायर है तो कॉमन ही होगी 81.2%। रिपल फैक्टर जो हाफ वेव के लिए 1.21 है, सेंटर टेप के लिए 0.48 और ब्रिज टाइप के लिए भी 0.48 एज इट इज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है हाफ वेव की एफ इन होगी, जबकि सेंटर टेप और ब्रिज टाइप की आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो है वो डबल होगी इनपुट की फ्रीक्वेंसी, 2fn और 2fn। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है हाफ वेव के लिए Vm होगा, सेंटर टेप और ब्रिज टाइप के लिए ट्वाइस Vm, सेंटर टेप के लिए ट्वाइस Vm और ब्रिज टाइप के लिए Vm ही होगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे आप देख लें कंपेरिजन है पीक इनवर्स वोल्टेज का, हाफ वेव के लिए Vm, सेंटर टेप के लिए ट्वाइस Vm और ब्रिज टाइप के लिए Vm ओनली। फिर एक टेबुलेशन में हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में
फुल वेव रेक्टिफायर हमने दो कॉम्बिनेशन को यूज करके यहाँ पे बनाया, सेंटर टेप और ब्रिज टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर। नंबर ऑफ डायोड्स पहले बता चुका हूँ मैं आपको, 1, 2 और 4। सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो इसमें मैक्सिमम VM होंगे, सेंटर टेप में ट्वाइस VM होंगे, ब्रिज टाइप में ओनली VM होंगे। आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो हाफ वेव में केवल हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट करेगा, जबकि सेंटर टेप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में वो फर्स्ट हाफ के लिए एक सिस्टम डायोड का और दूसरे हाफ के लिए दूसरा सिस्टम डायोड का। ब्रिज में चूंकि 4 डायोड है तो 2 डायोड एक हाफ साइकिल के लिए, 2 डायोड जो रिमेनिंग है वो दूसरे हाफ साइकिल के लिए वर्क करेंगे, और इस तरह की वेवफॉर्म हमें प्राप्त होगी। डीसी आउटपुट की जो वैल्यू है वो हाफ वेव के लिए वी मैक्सिमम अपॉन पाई है, सेंटर टेप के लिए और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ट्वाइस वी मैक्सिमम अपॉन पाई है। रिपल फैक्टर पहले भी हम देख चुके हैं, 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है और 0.482 और 0.482 फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर काम में लेके और फुल वेव रेक्टिफायर बनाए दो डायोड को यूज करके, चाहे हम ब्रिज रेक्टिफायर को काम में लें। एफिशिएंसी जो है 40.6 है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, 81.2 और 81.2 है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो 0.287 है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, जबकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर जो हाफ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने काम में लिया है FWR के लिए, उसके लिए 0.692 है, और ब्रिज टाइप के लिए जो ट्रांसफार्मर का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 0.811 होगा। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर ये फिर आप इसको सर्किट डायग्राम से भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर स्पष्ट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हमने एक सिंगल डायोड काम में लिया, फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यहाँ पे, जब केवल दो डायोड काम में लिए D1 और D2 जो मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से D1 और D2 और ये फुल वेव रेक्टिफायर है। अब फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर भी हम काम में ले सकते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट में जो है ये 4 डायोड लगेंगे, और किस तरह से करंट फ्लो होगी ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये आप एग्जाम में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसको क्लियरली विद सर्किट डायग्राम बता सकते हैं, वेवफॉर्म कैसी आएगी वो बता सकते हैं। जो टेबल मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताई थी वो भी आप आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आपका कंपैरिजन इसके डायोड के बारे में टोटल कंपैरिजन है वो माना जाएगा। आप यहाँ देख लें फिर एक बार स्कीमेटिक डायग्राम हाफ वेव के लिए, फुल वेव विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर किस तरह से सेंटर टेपिंग होगी और दो डायोड को यूज करेंगे, और किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये सर्किट भी आप बना लें, टेबल भी आप बना लें, सर्किट का कनेक्शंस भी आप कंपैरिजन में बता सकते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह से मिलेगी उसको भी आप यहाँ, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है टिपिकल आउटपुट वेवफॉर्म, वो भी आप बता सकते हैं। RL जो है अपना लोड रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरी पुनः आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप ये PPT, ये लेक्चर, ये स्लाइड्स, ये डायग्राम्स, ये जो मैंने इसमें जो लिखा है उसको सब कुछ सुनने के बाद इस रिकॉर्डिंग को बीच बीच में पॉज करके भी आप अपनी लैंग्वेज में ये डायग्राम बनाते हुए आप अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाएं, और उन नोट्स का ही आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या बाद में जब भी हो आप अध्ययन करें। बीच बीच में आप चाहें तो, चूँकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप जब चाहे इसको सुन सकते हैं, लेकिन हाथ से लिखा हुआ और हाथ से सर्किट डायग्राम बनाया हुआ आपको जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत ही याद रहेगा, आप आसानी से अपनी भाषा का उपयोग करके चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे दोनों मिक्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये आसानी से जो हाफ वे, फुल वे और ब्रिज रेक्टिफायर में जो है कंपेरिजन कर सकते हैं, और एक टेबल बना के, एक डायग्राम बना के, सर्किट बना के, स्कीमेटिक आउटपुट वेवफॉर्म बना के, उसकी जो करंट की जो किस तरह से फ्लो होगा वो आप सॉलिड लाइन से, डॉटेड लाइन से, पॉजिटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए, और भी कई तरीके से आप इसको इसको कंपेयर कर सकते हैं। टेबल बना के आप अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप टेबल बना के उन पॉइंट्स को आप अलग अलग सब्जेक्ट में, आप उसको पैराग्राफ में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ जो डेफिनेशंस की ज़रूरत है वो लिख सकते हैं। अगर आपको कम नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उस केस में आप जो मैंने आपको ये टेबल वगैरह बताई है केवल आप इतना ही बता के और अपना जो है वो आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक पढ़ाई शुरू कर दी होगी। आने वाले टाइम में जब भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपका
प्रथम कक्षा टेस्ट जो फर्स्ट क्लास टेस्ट है वो भी लिया जाएगा, और उसमें जो अपना ये अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट फर्स्ट ये है, और भी जब तक मैं आपको बताऊंगा आगे वो सारा जो सिलेबस है वो कवर होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के और मन से स्टडी करें। थैंक यू।